Hello viewers, today I am going to tell you about a spyware, its type, what problem occurs from it and how to check it. So let us start. Spyware is any software that installs itself on your computer and start monitoring your online behavior without your knowledge or permission. Spyware is a kind of malware that secretly gathers information about a person or organization and relay this data to other parties. Spyware एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके नॉलेज के बिना आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके दूसरों को रिले करके अर्निंग करता है और बेनिफिट उठाता है. टाइप्स ऑफ स्पाईवेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाईवेयर आर देयर. द फर्स्ट इज एडवेयर. एडवेयर इज अ कॉमन टाइप ऑफ स्पाईवेयर मेनली यूज फॉर एडवर्टाइजर. जो एडवर्टाइजर यूज करते हैं एडवेयर, उसको स्पाईवेयर वो एडवेयर है. कीबोर्ड लॉगर. कीबोर्ड लॉगर स्पाईवेयर इज अ मलेशियस प्रोग्राम यूज बाय द हैकर्स. जब आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हैकर्स जो होता है आप क्या टाइप कर रहे हैं वो की लॉगर के थ्रू जान जाता है. मोडम हाईजैकर. मोडम का आईपी एड्रेस जान करके आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करता है. ब्राउजर हाईजैकर. जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो उससे वो हैकिंग करता है. कमर्शियल स्पाईवेयर. कमर्शियल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है. ट्रोजन एक वायरस है जो आपके कंप्यूटर की सारी एक्सी फाइल को डिस्टर्ब कर देता है और आपका कोई भी प्रोग्राम चलता नहीं है, जो एक स्पाईवेयर है. ट्रैकिंग कुकीज. कुकीज एक छोटा इंफॉर्मेशन है जो फाइल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम फाइल है जिसमें जिस भी साइट पे जब आप जाते हैं तो आपका नाम और आपका डेट टाइम सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर लेता है. सिस्टम मॉनिटर, जो हमेशा मॉनिटर करता है कि आपकी क्या वर्किंग है ऑनलाइन, उसको वो जानता रहता है. पासवर्ड स्टीलर, जो आपका जो कुकीज है वो भी पासवर्ड स्टील कर सकती है. पासवर्ड स्टीलर जो होता है वो केवल लोगों के पासवर्ड को चुराने का काम करता है. मोबाइल स्पाईवेयर. अब मोबाइल में भी स्पाईवेयर होता है जिससे कि मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन हमारी चोरी हो जाती है. तो स्पाईवेयर इज अ वेरी डेंजरस. ये कुछ स्पाईवेयर हैं. एडवेयर, की लॉगर, ट्रोजन, पासवर्ड स्टीलर और मोबाइल स्पाईवेयर जो हमने आपको बताया. शेयर इंफॉर्मेशन यूज फॉर ट्रैकिंग द यूजर. पहले तो वो ट्रैक करता है यूजर को, मॉनिटर करता है यूजर को. मॉनिटरिंग द यूजर एंड डिस्प्लेइंग द पॉपअप एडवर्टीजमेंट, और फिर उसके बाद आपके उसमें पॉपअप एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करता है और आपको कभी कभी रीडायरेक्ट भी कर देता है दूसरी साइट पे स्पाईवेयर. तो आपके इंफॉर्मेशन को जब वो शेयर करता है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि आपकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों के पास चली जाती है. तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. बाई ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग दे गेट द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ योर साइट. फाइंडिंग सर्फिंग हैबिट. स्पाईवेयर फाइंड सर्फिंग हैबिट ऑफ यूजर विच कैन बी यूज फॉर अल्टीरियर मोटिव्स. आपकी हैबिट्स को जान जाता है और उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन को ऑल्टरेशन करके आपको प्रॉब्लम कर सकता है. गेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आप स्पाईवेयर जो होता है आपके क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट के डिटेल्स को फाइंड आउट कर सकता है. रीडायरेक्टिंग ब्राउजर. स्पाईवेयर रीडायरेक्ट करता है ब्राउजर को और डिफरेंट डिस्प्ले पॉपअप करता है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है. कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी. सम स्पाईवेयर डिसेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विच मेक अ सिस्टम ससेप्टेबल टू वायरसेस. अब आपका एंटीवायरस जो होता है डीएक्टिवेट कर देता है जिससे आपको वायरस लग जाता है कंप्यूटर में और आपको प्रॉब्लम होती है. स्लोइंग डाउन द सिस्टम. और जब ऐसा होता है तो आपका सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है और आपकी वर्किंग पावर कम हो जाती है. इट मे नोट दैट सम ऑफ योर नोन कंपनीज एंड वेबसाइट टेक योर इंफॉर्मेशन यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पज. सच केसेज हैव बीन रिपोर्टेड बाई वेल स्ट्रीट जर्नल. आप उसको वेल स्ट्रीट जर्नल पर
रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज आपके इंफॉर्मेशन को जब चुराती हैं तो वो उसको सेल करती हैं और यू अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती हैं। हाउ टू चेक फॉर स्पाईवेयर ऑन कंप्यूटर, आप कैसे चेक करिए कि आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर है कि नहीं है। उसके लिए आपको MS Config check for spyware in startup by typing MS Config in the window search bar. Temp folder में जाके spyware word लिखिएगा तो आपको वहाँ पर spyware के बारे में नॉलेज होगी। और बेस्ट है कि आप एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए और spyware को स्कैन करके कंप्यूटर में मालवेयर को चेक करिए। इसके अलावा अगर आप जाते हैं, अगर आप जाते हैं ऑनलाइन विंडो में, तो विंडो में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये यहाँ पर जाकर टेम्प में जाकर के आप MS Config लिखिए। MS Config लिखने पर MS Config लिखने पर ये देखिए ये स्टार्ट हो जाएगा जनरल बूट सर्विस। अब ये जब स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप और सेलेक्टिव स्टार्टअप। अब यहाँ पे स्टार्टअप देखिए आपको मिला तो ओपन टास्क मैनेजर करिएगा तो अगर कोई स्पाईवेयर है तो वो दिखा देगा, अभी मेरे में नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा था। तो इस तरह से आप MS Config लग करके आप अपने प्रोग्राम को स्पाईवेयर को चेक कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। गो टू कम्युनिटी, आंसर ऑन फोन, कमेंट ऑन वीडियो, शेयर द वीडियो and follow all social media link and join the telegram channel Tech Ratan. So this is all today viewer, if you like it please share and subscribe. Thank you.